Hello everyone, welcome to this channel. I am CS Ritu. This video is about Vedanta. Vedanta एक high dividend paying company है, ये हम सब जानते हैं. Company constant dividend pay करती है अपने shareholders को, और ये भी एक reason है जिसकी वजह से shareholder इस share में बहुत ज़्यादा interested रहते हैं. Current year की अगर बात करें, financial year 23 में 3 बार ये कंपनी अपने shareholders को dividend pay कर चुकी है. But what about the future? Financial year 24 या financial year 25 में dividend से related क्या expectation है? कितना dividend हमें Vedanta में इन द नियर फ्यूचर मिल सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड शेयर की अगर बात करें, शेयर ने बहुत ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन अपने शेयर होल्डर्स को कुछ टाइम में नहीं दिया है. अगर हम लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न इस शेयर में देखें, तो लास्ट 6 मंथ में शेयर में कोई भी तेजी हमें देखने को नहीं मिली. एंड इस ईयर में ये शेयर 11% तक गिर चुका है. तो यहां से क्या टारगेट है इस शेयर के लिए, एनालिस्ट क्या फील करते हैं, क्या व्यू है एनालिस्ट का वेदांता के बारे में, ऑल दीज थिंग्स आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट दिस वीडियो. फाइनेंशियल ईयर 23 में वेदांता की डिविडेंड यील्ड अगर हम देखें, तो इस साल में कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है. फर्स्ट इंटरम डिविडेंड था 31.5 पर शेयर के हिसाब से, सेकंड था 19.5 पर शेयर के हिसाब से, एंड थर्ड इंटरम डिविडेंड जो अभी लेटेस्ट ही अनाउंस हुआ है एंड अभी जिसकी पेमेंट होना भी बाकी है, 17.5 पर शेयर के हिसाब से. तो टोटल डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में, जितना भी फाइनेंशियल ईयर अभी हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल डिविडेंड अभी तक आ चुका है 68.5 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से. सो अगर हम देखें डिविडेंड यील्ड, तो 68.5 डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ द शेयर विच इज 314 रुपीज. तो वेदांता की डिविडेंड यील्ड करंट ईयर में आई है 21.8%. सो करंट फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे किया है, एंड डिविडेंड यील्ड आई है अराउंड 22% की, जो कि बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है. बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी क्या कंपनी ऐसा ही डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे करेगी, क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर डिविडेंड से रिलेटेड? इससे रिलेटेड आज एक आर्टिकल आया है मिंट न्यूज़पेपर में. इस आर्टिकल में ब्रोकरेज फर्म एडलवाइस ने वेदांता के ऑफिशियल्स के साथ इंटरेक्ट किया है, और उन्होंने कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स, डिविडेंड पे आउट प्लान्स के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताए हैं. ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में वेदांता लिमिटेड डिविडेंड पे कर सकता है अराउंड 48-45 रुपीज पर शेयर के हिसाब से. करंट फाइनेंशियल ईयर में तो 68.5 रुपीज का डिविडेंड अभी तक वेदांता डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है. एंड यील्ड अगर हम देखें करंट मार्केट प्राइस पे 48-45 के हिसाब से 15% का डिविडेंड आपको मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में. ये फ्यूचर से रिलेटेड डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है. एंड शेयर प्राइस की अगर बात करें, शेयर प्राइस ने बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखाया है एज आई हैव टोल्ड अर्लियर. सो यहाँ से क्या टारगेट है, ब्रोकरेज फर्म क्या फील करते हैं कि शेयर यहाँ से कहाँ तक जा सकता है कंसिडरिंग द एक्सपेंशन प्लान्स विच आर अंडर वे इन वेदांता लिमिटेड. सो ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे टारगेट दिया है वेदांता लिमिटेड के लिए. एडलवाइस की तरफ से ये टारगेट आए हैं, एंड बाय की रेटिंग उन्होंने मेंशन की है वेदांता के लिए. एंड जो रिवाइज्ड उन्होंने टारगेट बताया है शेयर के लिए वो है 374 रुपीज का. अर्लियर उन्होंने बताया था 355 का टारगेट, जो कि अपग्रेड होकर 374 हो गया है. सो टारगेट यहाँ पर और इम्प्रूव हो गया है. कंपनी के फ्यूचर प्लान से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट अपडेट दिया है एडलवाइस के ब्रोकरेज हाउसेज ने. उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 24 इज द ईयर ऑफ कमिशनिंग ऑफ ऑनगोइंग एक्सपेंशन इन जिंक, एल्यूमिनियम, एलुमिना, कोल. सो ऑनगोइंग एक्सपेंशन चालू रहेगा फ्यूचर में भी, फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर 24 में भी, इन जिंक, एल्यूमिनियम, एलुमिना एंड कोल. एंड हाई डिविडेंड पे आउट भी कंटिन्यू रहेगा कंपनी की तरफ से. एंड कंपनी का फोकस रहेगा ऑन कर्बिंग कार्बन इमिशन एट द फोरफ्रंट. तो कार्बन इमिशन कम करने पे भी कंपनी का बहुत फोकस रहेगा. तो ये फ्यूचर प्लान्स हैं वेदांता लिमिटेड के. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज डू सपोर्ट इट, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ऑल्सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय द स्टॉक. काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड देन ओनली इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक. थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.